हाय गाइस, वेलकम बैक. द राजा साहब फैंस, डार्लिंग प्रभास फैंस, या जितने भी है ना यहाँ पर, जितने भी रेबल स्टार के फैंस हैं, आई एम श्योर द राजा साहब का इतना वेट कर रहे हो कि बहुत लंबे समय से हमने उनको डार्लिंग वाले लुक में नहीं देखा था. अभी कल की में हमने उनको एक अलग अवतार में देखा, उससे पहले हमने उनको खूब सारा एक्शन करते हुए देखा सलार में. बट द रियल यू नो दैट डार्लिंग वाला जो टाइटल उनको मिला हुआ है ना, वो हमको देखने को मिलने वाला है द राजा साहब में. बट उससे भी बड़ी न्यूज जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, और उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था, कल जब ये न्यूज आई थी मुझे लगा था भाई साहब ये क्या हो रहा है, अगर ये हो गया ना तो स्पिरिट तो भाई प्रभास की सबसे बड़ी फिल्म बन के रहेगी 100%. इस बात को आप मान के चलो, संदीप रेड्डी वांगा हैज बीन डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रमोशन, आप कह लो ऑन ग्राउंड कह लो या ऑफ ग्राउंड कह लो, लेकिन एक तरीके का वो टैक्टिक जो है वो अपना रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे आपसे बात करना चाहती हूँ. ऑल्दो इस पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट संदीप रेड्डी वांगा का जिस तरीके से जो भी उनके फिल्मों में जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जो उसका हेयर स्टाइल होता है, संदीप रेड्डी वांगा, इंसिडेंटली हो रहा है ये कोइंसिडेंटली हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, उनका हेयर स्टाइल भी आइडेंटिकली साथ में रहता है, चाहे वो हमने अर्जुन रेड्डी में देखा था या फिर हमने एनिमल में देखा था. अब हम देखने वाले हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने हेयर वगैरह पहले बीच में शेव किए थे आफ्टर आफ्टर द सक्सेस ऑफ एनिमल. अब हमने उनका जो हेयर डू देखा है, जिस तरीके का बियर्ड देखा है, उसको देख करके अटकलें लगाई जा रही हैं दैट प्रभास इज गोइंग टू सपोर्ट दिस लुक इन स्पिरिट. एंड ट्रस्ट मी, द एंटायर फैन फॉलोइंग हैज गॉन क्रेजी आफ्टर दिस, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा इज लुकिंग लिट. वो जिस तरीके से उन्होंने अपना अपना हेयर स्टाइल और बेर्ड को किया है, उसको देखकर लग रहा है कि भाई जब ये प्रभास करेंगे तो वो किस लेवल के लगने वाले हैं, और वो डेंजरस भी होने वाला है, वो एक्शन वाला भी दिखने वाला है, साथ साथ में इट्स गोइंग टू लुक वेरी वेरी नाइस ऑन हिम. वैसे भी प्रभास हैज बीन डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, मतलब जो भी उन्होंने हमने उनके रिसेंट भी मूवीज में देखा है, वो अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने से डरते नहीं है, चाहे वो कल्कि में भी उनका रोल था, जो भैरवा का लुक था, जो हेयर स्टाइल था वो भी एकदम डिफरेंट था, और अभी यहाँ पर अगर हम स्पिरिट की बात करते हैं तो स्पिरिट को लेकर भी काफी डिफरेंट चीजें हमको देखने को मिलने वाली है. तो भाई इंटरनेट पूरा बौखला गया था कल, लोग पूरे तरीके से फैन फॉलोइंग जितनी भी पूरी तरीके से पागल हो गई थी, भाई ऐसा दिखने वाला है अगर प्रभास का लुक तो भाई बहुत मजा आएगा, बहुत डिफरेंट होगा. और ये एक्शन लुक्स प्लस संदीप रेड्डी वांगा का जो जो उनका जो टच रहता है, चाहे वो एक्शन को लेकर हो, चाहे वो इंटेंसिटी को लेकर हो कि इंटेंस रोल है उसको लेकर हो, तो भाई लोग पागल होने वाले हैं. एंड आई एम श्योर कि जब ये सामने आएगा तब, और आई एम श्योर कि एक ना एक कोई लुक तो पहले आता है, ये लुक पोस्टर आता है, भाई साहब क्या होगा उस टाइम पे. अभी से कल्कि के बाद लोग पागल हो चुके हैं प्रभास की फैन फॉलोइंग, और ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुकी है, जितना हमने आदि पुरुष के टाइम पे डाउनफॉल देखा था, फिर सलार से वो ठीक हुआ था, एंड नाउ विद कल्कि इट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली. अब लग रहा है कि स्पिरिट का जो भी कॉन्टेंट आएगा उसको लेकर वो बहुत ज्यादा यू नो वाइल्ड फायर की तरह फैलने वाला है. बट दो ऐसी, एक नहीं मैं तो दो बोलूंगी, राजा साहब में भी जो उनका लुक है दैट इज ऑल्सो आई थिंक फेनोमिनल फेनोमिनल लुक. तो मेरे तो ये दोनों लुक्स फेवरेट होने वाले हैं. बाकी आपका इस पे क्या कुछ कहना है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी वी लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट ऑल स्टोरी फैंस शेयर.